गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा विंटर हॉलीडे होमवर्क है, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, क्लास LKG। इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट A to Z कैपिटल लेटर्स। ये हमारे बड़ी ABCD है, आपको इसमें लिखना है और कॉपी पर 5 बार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट A to Z स्मॉल लेटर। ये हमारी छोटी ABCD है, इसको भी आप 5 बार लिखोगे कॉपी पर और उसमें भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट वोवल साउंड A E I O U। ये हमारे 5 वोवल्स है, तो इसको आपको लिखना है, जैसे ए एक साइड में लिखना है और ई एक साइड में लिखना है, आई एक साइड में लिखना है, ओ एक साइड में, यू एक साइड में, इस तरह से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट कॉन्सोनेंस। ये हमारे कॉन्सोनेंस हैं, जो वोवल्स जितने हम जैसे वोवल्स निकालते हैं 5, उसके बाद कितने कॉन्सोनेंस बचते हैं वो यहाँ पर लिखना है, आप कॉपी पर भी लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा GK है। GK में क्या है, राइट 8 एनिमल्स नेम। ये हमारे 8 एनिमल्स नेम लिखना है, उसके बाद में वेजिटेबल्स नेम लिखना है इसमें, और कलर नेम लिखना है, कलर्स नेम, और इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम लिखना है, इस तरह से ये करना है। इसमें इंग्लिश का हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। ये हमारा हिंदी का है विंटर हॉलीडे होमवर्क। तो इसमें क्या करना है, हिंदी में आज से 11 तक लिखो, आज से 11 तक लिखना है, इसमें भी लिखना है और कॉपी में 5 बार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, मिलान करो। यहाँ पर मिलान करना है इसमें और कॉपी पर करना है, इस तरह से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 अक्षर के शब्द लिखो। यहाँ पर 2 अक्षर के शब्द लिखना है, जितना मैंने लाइन दिया हुआ है उसी लाइन में पूरा ये करना है और कॉपी पर भी 5 बार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 अक्षर के शब्द लिखो। यहाँ पर 3 अक्षर के शब्द लिखना है और पढ़ना भी है, कॉपी पर भी 5 बार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, अच्छा जोड़कर शब्द बनाओ। अच्छा जोड़ के शब्द बनाना है, जैसे पवन, तो यहाँ पर पवन लिखा हुआ है, इसी तरह से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 6, खाली स्थान भरो। यहाँ पर खाली स्थान भरना है, का के बाद क्या आएगा, गा के बाद क्या आएगा, इसमें भी लिखना और अपनी कॉपी पर भी लिखना है, इस तरह से ये करना है। ये हिंदी हमारा फिनिश हो गया। ये विंटर हॉलीडे होमवर्क है, ये हमारा मैथ का है। मैथ तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, राइट 1 to 50 काउंटिंग। ये हमारी काउंटिंग है 1 से लेके 50 तक, तो आप 50 तक इसमें काउंटिंग लिखोगे और कॉपी पर भी 5 बार लिखोगे, इस तरह से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 50 to 1 बैक काउंटिंग। ये हमारी 50 to 1 बैक काउंटिंग है, 50 से लेके 1 तक बैक काउंटिंग लिखना है, जैसे 50 होता है, 50 यहाँ से शुरू होगा, इस तरह से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 1 to 10 नंबर्स नेम। ये हमारे नंबर्स नेम है, जैसे O यानी 1, T, W, O, 2, इस तरह से आप लिखना है कॉपी, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों साथ में लिखना है, और 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है इसमें करना। क्वेश्चन नंबर 4, क्या एडिशन ये हमारे, तो इसको एडिशन करना है, जैसे 9 और 2 कितना हुआ, जाके 11 हुआ, यहाँ पर ऐड करोगे, यहाँ पर जोड़ोगे, जोड़ के यहाँ पर लिखना है, इस तरह से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्शन। तो इसको आपको क्या करना है, जैसे 9 में से 5 गए, कितने बचे हुए हैं यहाँ पर लिखना है, इस तरह से ये करना। क्वेश्चन नंबर 6, काउंट एंड राइट। ये काउंट करो और लिखो, जैसे कितना है ये स्पून, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखोगे, इस तरह से ये करना है। ये हमारा मैथ का यहाँ से यहाँ फिनिश हुआ। इसके बाद में ये हमारा ड्राइंग का है, विंटर हॉलीडे होमवर्क है। इसमें आपको कलर भरना है, जैसे इसमें सेंटा क्लॉज कौन से कलर से होता है उसी तरह से आप इसमें भरोगे, जैसे रेड पूरा होता है, उसकी मूछें ये वाइट होती हैं और ये डॉली भी वाइट होती है, इस तरह से आप इसमें कलर उसी तरह से भरना, सेम इस तरह से ये करना। क्वेश्चन नंबर 2, इसी हमारा टेडी बियर है, इसमें आप टेडी बियर में कोई सा भी अच्छा सा कलर भर सकते हो, इस तरह से ये करना है। ये हमारा यहाँ से फिनिश हुआ, इसी तरह से ये सारा करना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको सेंटा क्लॉज को डेकोरेट करना बताऊंगी। तो इसको डेकोरेट कैसे करना है, कौन से कलर का होता है, वैसे हम आपको बताऊंगे, वैसे ही आप करके दिखाएंगे।
तो जैसे हमारे पास क्या है, रेड, इसकी कैप कौन सी होती है, रेड होती है, तो इसको हम रेड कलर करेंगे। ये हमने किया, इसको रेड किया। इसके बाद में हमें यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, इसका हॉट पैंट को रेड करना है। इसको हमने कोट को रेड कलर किया है, और इसको क्या करना है, पैंट को भी रेड कलर करना है मुझे। ये इसको मैं करना है, मैंने कोट पैंट को रेड किया, कलर किया है। अब इसके बाद में इसका बेल्ट, ये इसका बेल्ट है, इसको बेल्ट को मैंने कलर किया। इसके बाद में ग्लव्स को कलर करूंगी। ये ग्लव्स, और उसके बाद में इसको भी करूंगी। अब इसके बाद में क्या करना है, ये हमारा कलर हो गया इसमें। इसके बाद में मैं कॉटन यूज करूंगी। अब इसके बाद में कॉटन लगाऊंगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसके कैप में लगाएंगे। पेस्ट करेंगे। अब इसके बाद में इसकी मूंछों, इस तरह से हमने ये सेंटा क्लॉज को डेकोरेट किया है। इसी तरह से आप भी ऐसे ही सेम करेंगे जैसे मैंने किया है, इसी तरह से आप भी करेंगे, करके मेरे को भेजना है। थैंक यू।